गुड मॉर्निंग सुप्रभात आप सभी को। आशा करता हूँ कि आप लोग सब सही होंगे, सुरक्षित होंगे। कल कुछ नेटवर्क किसी कारण अचानक आपसे डिस्कनेक्ट हो गए थे, लेकिन आज फिर से आपके सामने जुड़ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 1 फिजिक्स का क्लास 10th पार्ट 7 में, ठीक है, पार्ट 7 आपके सामने लेकर आया हूँ। और जो भी कल छूटा था उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हम बता रहे थे कि सिल्वर का जो रेसिस्टिविटी होता है ना, सिल्वर का जो रेसिस्टिविटी होता है वो 1.60 × 10⁻¹⁸ ओम मीटर, ठीक है। और कॉपर का होता है आपका 1.69 × 10⁻¹⁸ ओम मीटर। और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। इबोनाइट है, इबोनाइट का भी होता है बहुत ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, है ना। जितने भी प्योर मेटल्स होते हैं सबका कुछ ना कुछ होता है। जैसे कुछ इंसुलेटर का भी होता है, जैसे ग्लास का देख लिया जाए आपका, तो ग्लास का देखिएगा तो 10⁻¹⁴ ओम मीटर, है ना। तो इंसुलेटर का भी होता है, प्योर मेटल का भी रेसिस्टिविटी होता है, कंडक्टर्स का भी होता है। अब देखिए, हम बता रहे थे रेसिस्टिविटी मतलब कि इसमें क्या होगा, आपका प्योर मेटल्स यूज होंगे, है ना। और रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय करने का मतलब कि रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय जो होगा वो हायर होगा। रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय जो होगा वो हायर होगा, है ना, ज़्यादा होगा, हायर देन दोज ऑफ द प्योर मेटल्स। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं कि मैग्नीन जो है, जो कि एलॉय है कॉपर का, मैग्नीज का, निकेल का, तो ये जो मैग्नीन जो होता है वो 25 times मोर देन द कॉपर, देन द रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर, ठीक है। दूसरा हम लोग देख लें कि जो आपका कॉन्स्टेंटिन जो होता है वो 30 times, इसका जो रेसिस्टिविटी होता है वो 30 times मोर देन द कॉपर, ठीक है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप ध्यान में रखिएगा। आगे हम बताने वाले हैं जो नाइक्रोम का यूज होता है, जो इसका यूज होता है हीटिंग इफेक्ट के लिए, आयरन में यूज होता है ना, इससे उसका भी रेसिस्टिविटी हाई होता है, इसीलिए हम लोग उसको नाइक्रोम वायर्स का यूज हम लोग आयरन में भी करते हैं, ठीक है। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है रेसिस्टिविटी से रिलेटेड, इसको आप ध्यान में रखिए, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आज हम लोग देखिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 meters, आपको लेंथ दे दिया, जो पहले गिवेन होता है उसको लिख लो, ठीक है। जो गिवेन है अगर आप उसको लिख लेते हैं तो आपको बनाने में तकलीफ नहीं होगा। लेंथ 2 meters, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका 1.7 × 10⁻¹⁶ मीटर स्क्वायर, 1.7 × 10⁻¹⁶ मीटर स्क्वायर हो गया आपका। रेसिस्टेंस 2 × 10⁻² ओम मीटर, ये आपका गिवन है, इतना सारा चीज आपका गिवन दे दिया। आपसे पूछ क्या रहा है, रेसिस्टिविटी, ये पूछ दिया आपसे आसानी से। ये फॉर्मूला पर कल के क्लास में फार्मूला बताए थे कि कैसे फार्मूला आया, है ना। तो रेसिस्टिविटी ये निकालना है, तो यहाँ पे इसको हम R into A by L, और कितना है 2 × 10⁻², ठीक है। एरिया कितना है आपका 1.7 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, लेंथ है 2 meters, ये से ये खत्म, मीटर से मीटर खत्म।
इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1.7 इंटू सेम साइन है माइनस 8 हो जाएगा, 8 ओम मीटर, क्योंकि रेसिस्टिविटी का क्या यूनिट होता है, इतना ये आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से ले लीजिए। चलिए फिर से अब हम जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस और रेसिस्टर, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस कैन बी कम्बाइंड इन टू वेज, हम लोग रेसिस्टेंस को दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, पहला है सीरीज में और दूसरा है पैरेलल में। जब दो और दो से ज़्यादा रेसिस्टेंस कनेक्टेड हो इंड टू इंड लगातार, मतलब कंटिन्यूसली है ना, दे आर सेट टू बी सीरीज, लगातार हो इंड टू इंड है ना, कनेक्टेड हो है ना, तो उसको हम लोग सीरीज बोलेंगे। लेकिन जब दो और दो से ज़्यादा रेसिस्टेंस सेम टू पॉइंट्स पर कनेक्टेड हो, सेम टू पॉइंट्स, देखो ये सेम पॉइंट है, तो जो दो रेसिस्टेंस का जो कनेक्शन पॉइंट है वो सेम हुआ ना, इसका भी यही है, इसका भी यही है, इधर से भी इसका भी यही है, इसका भी है, तो सेम पॉइंट्स पर क्या है, ये कनेक्टेड है, तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, पैरेलल है ना। तो अब हम सीरीज के बारे में डिस्कसली पढ़ेंगे, लेकिन इसको नोट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। चलिए अगला जो टॉपिक है आपका रेसिस्टेंस और रेसिस्टर इन सीरीज। देखिए जब कंबाइंड रेसिस्टर हो, कंबाइंड रेसिस्टेंस हो, कंबाइंड रेसिस्टेंस हो, तो नंबर ऑफ जो रेसिस्टेंस होगा वो कनेक्टेड होगा जो सीरीज में वो किसके बराबर होगा, द सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, मतलब कि दम जो कंबाइंड रेसिस्टेंस हो, मतलब बहुत सारा कंबाइंड रेसिस्टेंस हो गया जो कि कनेक्टेड हो सीरीज में है ना, जब वो सीरीज में कनेक्टेड हो तो जो सम होगा उसका है ना, वो कि जो कनेक्टेड हो सीरीज में जब वो कनेक्टेड होगा तो वो किसके बराबर होगा, द सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, मतलब जो भी रेसिस्टेंस इंडिविजुअल दिया हुआ, तीन है तो तीन, चार पाँच छः जितना दिया हुआ उसके सम के बराबर होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल मान लीजिए, पहला रेजिस्टेंस ये दोनों सीरीज में है और इसको इस पहला दो है ये चार है, तो दोनों को फिर जोड़ देंगे तो यही सिक्स आपका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसका रिजल्टेंट, जब भी रेजिस्टेंस दो रेजिस्टेंस जब सीरीज में हो तो उसका दो रेजिस्टेंस जब सीरीज में हो तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। लेकिन रिजल्टेंट निकालने से पहले है ना, उसको फॉर्मूला डिराइव करने से पहले हम कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। जैसे कि नंबर ऑफ जो रेसिस्टेंस होगा है ना, वो जब सीरीज में कनेक्टेड होगा है ना, सीरीज में कनेक्टेड होगा, बैटरी से ज्वाइंट होंगे है ना, तो जितने भी रेजिस्टेंस होंगे, ईच रेजिस्टेंस हैज डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है ना, जब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होगा, कनेक्टेड टू द बैटरी है ना, कनेक्टेड टू द बैटरी सीरीज में कनेक्टेड हो और बैटरी से भी ज्वाइन हो है ना, तो ईच रेजिस्टेंस, हर एक रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, ठीक है। लेकिन जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, टू जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द एंड ऑफ ऑल द रेसिस्टेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ ऑल द रेसिस्टेंस क्या होगा, वो इक्वल होगा, इक्वल किसके इक्वल होगा, वोल्टेज ऑफ द बैटरी के इक्वल होगा, जो भी बैटरी से वोल्टेज हमें मिलता है वो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा है ना अक्रॉस द एंड है ना, अक्रॉस द एंड of a resistor of all the resistance of all the resistance is equal to the voltage of the battery। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा।
व्हेन द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, बहुत सारे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो सीरीज में कनेक्टेड है, देन देन हम लोग अब क्या करेंगे, देन द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जो सीरीज में कनेक्टेड होगा तो सम ऑफ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अक्रॉस द ऑल द रेजिस्टेंस, अक्रॉस द ऑल द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी अप्लाइड, जो भी बैट अक्रॉस जो जो भी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये बात हमने फिर से भी कहा कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है ना ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द वोल्टेज अप्लाइड बाय द बैटरी, ठीक है। एक और बात है कि when the number of resistance are connected in series, then the same current flow through each resistance, आ कि नहीं बात समझ में, जब number of resistance connected हो सीरीज में तो उसका क्या होगा, उस रेसिस्टेंस का सेम करेंट फ्लो होना चाहिए उसमें, देन द सेम करेंट ही फ्लो होगा थ्रू ईच रेसिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका रिजल्टेंट निकालते हैं, रिजल्टेंट इसका कैसे निकालेंगे, तो हम पहला जो पॉइंट बताए थे आपको कि पोटेंशियल और टोटल जो पोटेंशियल होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड when it connected through a battery, it is equal to the voltage of the battery, है ना। तो उसी से आया कि जब वोल्टेज निकालना हो, इसी देखिए फिगर में भी हम फिगर भी बनाए हैं, दो रेजिस्टेंस है, करेंट सेम है ना, V1 V2 वोल्टेज हो गया, तो टोटल वोल्टेज आपका V1 प्लस V2 टोटल वोल्टेज तो यही हो जाएगा, है ना। हम लोग ओम्स लॉ से एक बात सीखे थे, ओम्स लॉ से क्या सीखे थे, एक ओम्स लॉ जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ओम्स लॉ से क्या सीखे थे, ये वाला फॉर्मूला रेसिस्टेंस बराबर सीखे तो भी बज आई, ये फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें इसका यूज भी होने वाला है, यहाँ से आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालिएगा तो V = IR, I into R, ठीक है, V = I into R, ठीक। अब देखिए मान लीजिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये तो हो गया, इसको मान लीजिए हम लोग दूसरा मान लेते हैं, इसको हम लोग दूसरा मान लेते हैं, तो दोनों का क्या होगा, इसको अभी V1 भी निकालेगा तो क्या होगा, ये तो भी निकल गया तो V1 भी मान लीजिए यहाँ से निकालेगा तो ये क्या हो गया, I into R1, क्योंकि करेंट तो सेम होगा, V2 क्या होगा, I into R2, इसको थर्ड मान लीजिए, इसको फोर्थ मान लीजिए, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम लोग फ्रॉम V1 V2 वी गेट, हम लोग क्या इसे प्राप्त किए, इस जो भी हमने इसको दिखा है ना, इससे हमें क्या मिला, एक मिला हमको I बराबर, पहले हम लोग इसकी इधर करेंगे, देखिए ये भी ये जो भी है इसके बराबर देखिए क्या मिला, IR, ठीक है। अब देखिए V2, ये V1 जो है, ये V1 के देखिए क्या मिला, I into R1 प्लस, ये V2 के बराबर क्या मिला, I into R2, ये V1 देखिए यहाँ पुट हो गया, ये V2 यहाँ पुट हो गया, है ना, इसमें I तो सेम है
देखिए तो यहाँ पे लिख रहे आई इंटू आर इंटू आई कॉमन है तो आई को कॉमन निकाल दीजिए, आर वन प्लस आर टू लिख सकते हैं ना। आई यहाँ से कॉमन निकल गया, आई दोनों में से कॉमन निकल गया तो आई को बाहर निकाल दिए, आर वन प्लस आर टू, क्योंकि करेंट तो आपका सेम है, करेंट में कहाँ चेंजिंग हो रहा है। अब देखिए ये इधर डिवाइड में जाएगा तो ये तो कट ही जाएगा आपका, तो देयर फॉर लास्ट में क्या है आपका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट क्या है आपको, हम तो रिजल्टेंट ही निकाल रहे हैं। तो आर बराबर आर वन प्लस आर टू आया जब सीरीज में हो, जब सीरीज में हो तो आर बराबर आर वन प्लस आर टू जब सीरीज में हो। अब मान लीजिए तीन को कनेक्ट कर देता है, ये तो दो का था, दो का था तो तीसरा मान लीजिए यहाँ, मान लीजिए यहाँ तीन कनेक्ट कर देते हैं, एक और हम भी थ्री ले लिए, मान लीजिए दो छोड़कर तीन कनेक्ट करना है हमको, थ्री थ्री रेसिस्टेंस कनेक्ट करना हो तो थ्री का क्या वो भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए वी टू तक तो निकाल दिए, वी थ्री यहाँ पे देखिएगा, वी थ्री बराबर भी क्या लिख सकते हैं, देखिए वी थ्री बराबर भी लिखेंगे हम लोग क्या, आई इंटू मान लीजिए यहाँ कहाँ गया वी वन वी टू, एक और मान लीजिए सीरीज में एक और होता, एक और आपका रेजिस्टेंस कनेक्ट होता तो एक और आपका ये होता, तो मान लीजिए वी थ्री एक और आ गया, तीन रेजिस्टेंस हो गया आपके पास, तो आई इंटू क्या हो जाएगा आर थ्री। अब फ्रॉम मान लीजिए हमको फ्रॉम भी भी वन भी टू भी थ्री भी गेट हमें क्या मिलेगा भी, तो भी बराबर तो मान लीजिए यहाँ पर हमको तीन का निकाल रहे हैं तो एक और आ जाएगा, होगा ना यहाँ पे, यही ना होगा यहाँ पे, यही ना होगा ये हाँ? तो ये दोनों का तो वैल्यू निकाल दिए, वो भी निकाल लिया। देखिए भी बराबर आई इंटू आर, एकदम ईजी से समझना है ठीक है। भी वन देखिए इस भी वन की जगह पुट करेंगे क्या, ये वाला आई इंटू आर प्लस आई इंटू आर वन प्लस भीवन भीवन सही सही लिखे थे वन टू आई इंटू आर थ्री, क्योंकि भीवन देखे भीवन के जगह हम ये लिखे हैं ये वाला, भी टू के जगह यहाँ पे ये लिख दिए ये वाला, देखिए यहाँ लिखा है, और भी थ्री जो अभी निकाले वो भी हम यहाँ पे लिख दिए ठीक है। अब देखिए आई आई इन तीनों में से कॉमन निकालेगा तो आर वन, यहाँ पे जगह थोड़ा कम है, आई इंटू आर बराबर तीनों में से आई आपका कॉमन हो गया, कॉमन करके इंटू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री लिख सकते हैं। ये आर आई से आई कट गया तो आर बराबर रिजल्टेंट बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, यही आपका हो जाएगा। तो इससे आप क्या सीखें कि जब भी सीरीज में होगा तो उसका रिजल्टेंट उसका सम ही होगा, उसके जितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होंगे उसके सम के बराबर ही होगा। तीन चार पाँच छः सात आठ जितना भी कनेक्ट करना है कीजिए, आपको जितना भी टोटल रेजिस्टेंस होगा उसका सम कर दीजिएगा, जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में तो वही उसका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए, आप कुछ सवाल बताएंगे। चलिए एक सवाल देखते हैं हम लोग, बहुत अच्छा सवाल है ठीक है। एक रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड अनदर रेसिस्टेंस ऑफ 4 ओम। एक मान लीजिए रेसिस्टेंस है, दो रेसिस्टेंस है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, इसका दिया हुआ आपका 6 ओम, इसका दिया हुआ 4 ओम ठीक, एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। 20 वोल्ट आपका अप्लाइड हुआ है अक्रॉस द 20 वोल्ट
तो सोचिए कैसे बनेगा, सोचिए कुछ सवाल जब दिया जाता है तो इसको सोचा जाता है कैसे ये बनेगा, इसमें क्या क्या है, उसको हम उस गिवेन को हम उसको हम लिख लेते हैं, है ना, और लिख कर समझते हैं कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए पहले टोटल रेसिस्टेंस हम लोग निकालते हैं, टोटल रेसिस्टेंस बराबर आपका क्या हो जाएगा, आर बराबर आर वन प्लस आर टू, तो ये आपका 10 ओम आ गया टोटल रेसिस्टेंस। वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है आपको, यहां से भी आप पोटेंशियल डिफरेंस पता है आपको, करंट नहीं पता, करंट निकाल सकते हैं आप, करंट बराबर वी बाई आई हो जाएगा, तो करंट कितना हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट, और ये दिया हुआ है वी बाई आर, ये आपका 10 ओम 2 एम्पियर। चलिए दो चीज तो पता चल गया है, लेकिन अब 20 वोल्ट इज अप्लाइड, कैलकुलेट द करंट, करंट तो हमने निकाल लिए 2 एम्पियर थ्रू द सर्किट, ठीक है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम, जब 6 ओम का रेसिस्टेंस है तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है, 6 ओम रेसिस्टेंस हो, ये तो आसानी से देखिए यहीं से निकलेगा, जैसे कि वी बराबर आई और लिखे ना, ये आपको 2 है ये 6 है, ये कितना हो जाएगा 12 वोल्ट, वो तो गया तो आंसर सॉल्व हो गया। तो इसी तरह बहुत सारा सवाल सवाल जो आपका दिया हुआ है एशियन बुक में और बहुत सारे ऐसे बुक में दिए हुए हैं, मैंने यहाँ पे 20 वोल्ट लिखना होगा, ये वोल्ट ही बनेगा वोल्ट, इसी तरह कुछ डायग्राम बनेगा, इसको समझने की कोशिश करना है, और करंट पास हो रहा है प्लस माइनस है ऐसे, ये सब दिखाना जरूरी है। और देखिए आज सीरीज पढ़ाएं, कल पैरेलल पढ़ाने वाले हैं, आशा करते हैं पढ़ाई समझ में आया होगा, तो बहुत सारा सवाल है सीरीज पर, सीरीज जो टॉपिक है उसमें बहुत सारा सवाल है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ सवाल आप सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी बुक से, एशियन बुक से, एशियन में तो बहुत सारे सवाल रहते हैं, तो आप लोग पढ़ाने के बाद अगर उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, हर ये बात समझ में ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ सवाल को सॉल्व कीजिए, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, और अगर पढ़ाई पसंद आ गया आया है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है, तब तक के लिए चलिए अपना ख्याल रखिए, अपना फैमिली का ख्याल रखिए, चलिए जय हिंद।